Done. standard 6 subject maths chapter 5 understanding elementary steps page number 95 in textbook 5.5 have measuring angles the improvised right angle tester we made is helpful to compare angle with a right angle we were able to classify the angle as acute obtuse or reflex okay बट दिस डज नॉट गिव अ पेसिस कम्पेरिजन इट कैन नॉट फाइंड विच वन अमोंग द टू ऑप्टिवज एंगल इज ग्रेटर सो इन ऑर्डर टू बी मोर प्रेसिस इन कंपेरिजन वी नीड मेजर द एंगल्स वी कैन डू इट विथ अ प्रोटेक्टर ओके हम एंगल ये कितने का है वो हम कैसे पता चल सक कर सकते हैं प्रोटेक्टर की मदद से ओके द मेज़र ऑफ एंगल्स वी कॉल आवर मेजर डिग्री मेज़र आवर कंप्लीट रिवोल्यूशन इज डिवाइडेड इंटू थ्री सिक्सटी इक्वल पार्ट्स ओके ईच पार्ट इज़ अ डिग्री वी राइट थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री टू शे थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री ओके उसके बाद है द प्रोटेक्टर आपने देखा है ऐसा प्रोटेक्टर देखा ही होगा सभी ने ओके सो यू कैन फाइंड अ रेडीमेड प्रोटेक्टर इन योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में ही होगा ही द क्राउड एज इज डिवाइडेड इंटू वन एटी इक्वल पार्ट्स देखो वन एटी इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड है ईच पार्ट इज इक्वल टू अ डिग्री ईच पार्ट है वो किसके इक्वल है डिग्री के मतलब टेन डिग्री ओके ट्वेंटी वन ऐटी डिग्री द मार्किंग स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो डिग्री कहाँ से स्टार्ट होता है मार्किंग ज़ीरो डिग्री ऑन द राइट साइड एंड एंड विथ वन एटी ऑन द लेफ्ट साइड एंड वाइज वर्सा वैसे ही लेफ्ट में ज़ीरो से स्टार्ट करो तो लो राइट right में कहाँ वन एटी पे ख़त्म होगा ओके सपोज यू के यू फोन टू मेज़र एन एंगल ए बी सी देखो यहाँ पे ए बी सी ड्रॉ किया हुआ है अब देखो वो प्रोटेक्टर में दिखाई दे रहा है कितने का है राइट में से ड्रॉ किया है सो so, वो है फोर्टी का कितने का है फोर्टी डिग्री का है मेजरिंग ना, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू फोर्टी ओके प्लेस द प्रोटेक्टर सो दैट द मिड पॉइंट एम इन द फिगर ऑफ इट स्ट्रेट एज लाइज ऑन द वर्टेक्स बी ऑन द एंगल देखो उसका मिडल पॉइंट है बी उसे एम पर रखो ओके okay? उसके बाद बी ऑन द एंगल एडजस्ट द प्रोटेक्टर शो दी सी बी सी रे इज अलोंग द स्ट्रेट एज़ ऑफ द प्रोटेक्टर देयर आर टू स्केल्स ऑन द प्रोटेक्टर रीड दैट स्केल विच हैज द जीरो मार्क जीरो डिग्री मार्क कंसिडाइंग विथ द स्ट्रेट एज विथ रे बी सी ओके द मार्क्स बाय बी एन द कर्व एज गिव द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल अब देखो वी राइट मेजर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू फोर्टी डिग्री और सिंपली एंगल ए बी सी इज इक्वल टू फोर्टी डिग्री देखो यहाँ पे जो बी पॉइंट है उसे एम पर रखा है और जो बी सी है रे उसे उसकी जो लाइन है वहाँ पे रखा है और देखा है कि कहाँ पे जाता है तो राइट से हमने ड्रॉ किया है सो देखो कितने का है यहाँ पे जो नीचे वाला मार, नंबर है वो देखो कितने का है फोर्टी का है वन फोर्टी का नहीं है फोर्टी डिग्री का है ओके सो ए बी सी एंगल कितने का है फोर्टी डिग्री का ओके हम ऐसे ड्रो करेंगे आपके पास प्रोटेक्टर होगा आपने देखा ही होगा आपने ड्रॉ किया ही किए होंगे एंगल ओके सो so, प्रोटेक्टर समझ में आ गया कैसे ड्रॉ करते हैं कैसे हम उसका एंगल का मेजर कर सकते हैं ठीक है ओके okay. उसके बाद पेज नंबर नाइन्टी नाइन पे देखो परपेंडिकुलर लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एंड व्हेन द वेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट एंड द एंगल बिटवीन धेम इज़ अ राइट एंगल मतलब टू लाइन एक दूसरे को एंग इंटरसेकट करती है और दूसरे बीच में राइट एंगल बनता है धैन द लाइन्स आर शाइड टू बी परपेंडिक्यूलर इफ अ लाइन ए बी यहाँ पे देखो ए बी इज अ परपेंडिक्यूलर टू लाइन सी डी यहाँ पे एल एम सॉरी एम एल लाइन है ठीक है सी डी वी राइट कैसे लिख सकते हैं ए बी लाइन परपेंडिकुलर सी डी ओके इसे ऐसे लिखते हैं थिंक डिस्कस एंड राइट इफ एबी लाइन परपेंडिकुलर सी डी लाइन देन शुड वी से दैट सी डी परपेंडिकुलर ए बी ऑल्सो ऐसे भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अराउंड अस देखो यू कैन गिव प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल

वो है लाइन सेगमेंट इससे ज़्यादा पता चल जाएगा मार्केट मिड पॉइंट एज एम मिड पॉइंट उसका क्या लिया हमने एम लिया लेट एम एन लाइन सेगमेंट सॉरी एम एन लाइन बी अ एम एन बी अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी थ्रो एम ओके एम एन यहाँ पे देखो एम एन ड्रो की है परपेंडिकुलर टू ए बी लाइन सेगमेंट थ्रो एम डज एम एन डिवाइड ए बी इंटू टू इक्वल पार्ट्स एम एन डिवाइड है वो ए बी के टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है एम एन बाई सेक्ट ए बी एम एन बाई एम एन बाय ए बी थेट इज डिवाइड ए बी इंटू टू इक्वल पार्ट्स ए बी इंटू टू इक्वल पार्ट्स एंड इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए बी सो वी वी शे एम एन यहाँ पे देखो जो एम एन है एम एन इज़ द परपेंडिकुलर बायसेटर ऑफ ए बी ए बी का परपेंडिकुलर बाय सेक्टर क्या है एम एन ओके यू विल लर्न टू कंस्ट्रक्ट इट्स लेटर ओके ए बी का परपेंडिकुलर बाय सेक्टर है एम मेन ओके उसकी डेफिनेशन और देखो एक बार वेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट यहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है यस एंड द एंगल बिटवीन धेम इज़ द राइट एंगल और देखो यहाँ पे राइट right एंगल बन रहा है ठीक है then the lines are said to be perpendicular. ओके okay? आपको perpendicular लाइन्स समझ में आ गई ये फिगर देखना फिर रीड करना अच्छे से समझ में आएगा ओके थैंक यू